देखिए ये जो आउटसाइड कमेटियाँ यहाँ पे बनाई गई थी पिछले साल 2020 में तो तब ये मेयर साहब का फ़ैसला था तो हमने इन पर जो कमेटियाँ उन्होंने तश्कल दी थी हमने बाब्ता जर्नल काउंसिल का सेशन चला यहाँ पे तो उसमें सब कम्यूटियों की कॉरपोरेटरों की तरफ से एक रेजोल्यूशन गई थी और बहुत सारे कॉरपोरेटरों ने उसमें रेजोलूशन में ये कहा कि हम ये कमीटियाँ बनाएंगे और मेयर साहब ने इनको एक्सेप्ट किया और आ, जर्नल काउंसिल में आ, वो रेजोल्यूशन पास होके बाद में उन, उन कमेटियों को तश्किल दिया गया बट जब मेयर का नो कॉन्फिडेंस हुआ यहाँ पे 16 तारीख को 16 जून को तो मैंने उसी दिन एज़ एक्टिंग मेयर मैंने उसी दिन वो कमेटियाँ यहाँ पे डिसबैंड कर दी क्योंकि यहाँ पर हमारे एक्ट में यहाँ पे जो स्टैंडिंग कमीटियाँ हैं सात हैं तो यहाँ पे वो फंक्शन नहीं कर रही है यहाँ पे उनके लिए आ, आ, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कहीं पे बैठने की जगह नहीं थी हमारे जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे उनके पास कमरे नहीं थे बैठने के लिए मैंने उस वक्त सोचा कि ये खम खाम कॉरपोरेटरों के साथ एक मजाक है तो मैंने उसी समय अपने पावर्स का इस्तेमाल करके इन कम्यूनिटियों को डिसबैंड कर दिया तो अगर एक कमेटीज़ देखिए एक्ट में ये वाजह है एक्ट में ये वाजह लिखा है सेक्शन चालीस में कि जहाँ पे कमेटियों को हम स्टैंडिंग कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं उसमें बाबत यहाँ पे इलेक्शन होते हैं बाबा उस पर वोटिंग होती है और बाद में वो जो उसमें इलेक्ट हो के आते हैं मेंबर्स वो अपने जो चेयरमैन हैं उसको चुनते हैं बाकी ये नॉमिनेशन पे चेयरमैन लेना ये एक्ट से हटके हैं ये मेयर के पास पावर से वो किसी भी कमेटी को यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं मगर उसके लिए उसमें जनरल काउंसिल में उसमें रेजोल्यूशन पास करनी होती है कल आपने देखा होगा मेयर साहब ने एक ऑर्डर निकाला मैंने उसमें लिखा है मैं सबसे पहले खुश हो जाऊँगा अगर यहाँ पे कॉरपोरेटर्स को एम्पावर किया जाए मगर जिस तरीके से कॉरपोरेटर को यहाँ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है मैं उस तरीक़े का यहाँ पे माहौल बनने नहीं दूंगा मैंने अपने कॉरपोरेटर को वाजा किया है कि अगर आ, ऐसे मेयर साहब ने यहाँ पे एक्ट की वायलेशन शुरू कर दी है तो हम भी इस पर रिएक्ट करेंगे हम गवर्नमेंट को इस ज़मन में आगा करेंगे मैंने आज भी गवर्नमेंट को इस जमन में एक चिट्ठी लिखी है यहाँ से कि यहाँ पे जो है आ, पासदारी नहीं हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन की ये एक मजाक बन गई है श्रीनगर म्यूनसपल कॉरपोरेशन आए दिन यहाँ पर ऐसी हरकतें होती हैं जो कि हमारे जो म्यूनसपल कॉरपोरेशन एक्ट है उसकी खिलाफ ख़िलाफ़वर्जियाँ बहुत हो रही है श्रीनगर म्यूसिपल कॉरपोरेशन में हालिया दिनों का वाक़ा मैं आपको बोलूँगा यहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी है तीन है एक तो चेयरमैन है हमारे पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन के वो तो आप खैर अपने ऑफिस में बैठते हैं और भी दो चेयरमैन थे स्वच्छ भारत और सोशल जस्टिस के उनमें खामखा खाम यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है ताला चढ़ा दिया है वो तो ऑफिस उनको बंद करने पड़े यहाँ पे अब सुनने में आया है वो मेयर साहब ने अपने एडवाइज़रों के लिए खाली करवाए हैं देखते हैं जो कानून में जो संविधान में कमीटियाँ हैं हम उनको फंक्शन नहीं करने दे रहे हैं यहाँ पे अब ये जो मजाक हो रहा है कॉर्पोरेटरों के साथ अफसोसनाक बात है देखिए कोऑर्डिनेशन कमेटी में मैंने कहा आपको जो एक्ट में कमेटियाँ हैं वही यहाँ पे हैं जो भी स्टैंडिंग कमेटियाँ आप सेक्शन 40 पढ़िए एक्ट का उस पर वाजह तौर पे लिखा है यहाँ पे हम कौन सी कमेटियाँ बना सकते हैं बाय इलेक्टेड वो कॉरपोरेटर वोट कर सकते हैं उसमें कॉरपोरेटर मेंबर बन सकते और उन मेम्बरस में कॉरपोरेटर को चुना जाएगा जो वहाँ पर चेयरपर्सन बनेगा बाकी ये मैंने कहा ये मजाक है हमारे कॉरपोरेटर के ouais. साथ एक मजाक है बाकी इसका जवाब अगर स्मार्ट सिटी हमारा मैंडेट है ही नहीं बाकी इसका जवाब तो मेयर साहब और आथर आमिर साहब को देना है देखिए उनमें से कल ही एक कॉरपोरेटर ने वहाँ पे जब मेयर साहब ने ये ट्वीट किया था उसने तीवी, अपना ट्वीट किया था कि मैं रिजाइन कर रहा हूँ इससे मैंने कहा ये कॉरपोरेटर को बड़ी ही देर से समझ आए ये उनके साथ एक मजाक है और हम मैं नहीं चाहता हूँ कि ये जो मेरे कोलीग्स हैं यहाँ पर कॉरपोरेट से एक इज़्ज़तदार शहरी है यहाँ पर एलेक्ट होके आए हैं तो मैं नहीं चाहूँगा कि इनके साथ कोई यहाँ पर मजाक करे